पांच ही की है इसमें, आज 5 डिस्कस करते हैं। ओके तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी। टुडे वी आर टेकिंग अप क्वेश्चंस ऑफ जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी एंड सोसाइटी। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है वो बताता है कि इंडिया फॉरेस्ट परसेंटेज 24.45 है। इट इज वेल नॉट टू मीट द टारगेट ऑफ 30% सेट बाय नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। करंट स्टेटस, ग्रोथ ऑफ फॉरेस्ट एरियाज है एमपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में अंडर मॉडरेट डेंस पार्ट। नॉर्थ ईस्ट में देयर हैज बीन डिक्रीज ऑफ फॉरेस्ट परसेंटेज स्पेशली अंडर वेरी डेंस एंड मॉडरेट डेंस ड्यू टू इंक्रीज बैम्बू कल्टीवेशन एंड प्लांटेशन इकोनॉमी। मैंग्रोव परसेंटेज हैज इंक्रीज्ड इन एरियाज बता दी मैंने, गुजरात, वेस्ट बंगाल। सेक्रेड ग्रूव्स वो भी बढ़ा है ड्यू टू स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव लाइक वन रक्षा एसएचजी। India has been able to reduce the human versus wildlife conflict with intervention policies like surprise raid across the border, use of green highway and overpass. Tripod has been able to energize the minor forest produce to e-commerce ONDC in areas of tenwa leaf, bamboo product, black etc. Its resultant on impact on climate change. High tendency of forest fire in northeast harming the local weather. So Andhra Pradesh, Assam and Himachal Pradesh. The increasing mangrove percentage helping the coastal ecosystem in mitigation of climate change. So, example सुंदरबन mangroves. तो ये दो। यहाँ पे थोड़ा सा अगेन आपने सर बात करी कि स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, इसमें भी आपने थोड़ा थ्योरेटिकल एंगल लिया, थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल भी लेके आते ऑफ डिस्ट्रक्शन जो हो रहा है। चाहे मैनग्रोव का भी आपने पॉजिटिव लिखा कि मैनग्रोव में ग्रोथ देखी जा रही है, बट एट द सेम टाइम डिस्ट्रक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो उस डिस्ट्रक्शन की वजह से क्लाइमेट चेंज के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, तो वैसे कनेक्ट कर सकते थे आप। जैसे हिली स्टेट्स में हम देख रहे हैं, इसमें क्वेश्चन था, इसमें लिखा हुआ था कि रिजल्टेड इम्पैक्ट। हाँ, तो उसकी वजह से मतलब किसका इम्पैक्ट, फॉरेस्ट रिजर्व का, रिसोर्स का इम्पैक्ट, स्टेटस का स्टेटस जो करंट फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है, बायोडायवर्सिटी लॉस हो रहा है। जब मतलब आप डिफॉरेस्टेशन की बात करोगे, हाँ, ठीक है, तो आसान होता है। उसका रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज क्या होगा, तो उसी के अंदर में आता है, कनेक्टेड है ना वो दोनों चीजें। अभी आपने थ्योरेटिकल बात करी कि स्टेटस क्या है, इसको मतलब ये इतना प्रैक्टिकल नहीं आ पाया इसमें। आपने खाली इस रिपोर्ट के बेसिस पे बात करी कि इसकी क्या फाइंडिंग्स है, इसलिए आप मतलब आपके जो आपने लिखा इसमें रिजल्टेंट इम्पैक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज कम आ गया उसी के अंदर में। हाँ, तो और क्या इतना था इसमें, डायवर्सिटी एंड प्लूरिज्म इंडिया अंडर थ्रेट ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जस्टिफाई करना इसमें। हमने बताया कि संजीव सिन्हा बोलते हैं कि ग्लोबलाइजेशन इज अ बस दैट इंडियन विल यूज टू स्ट्रेंथन देयर सॉफ्ट पावर ग्लोबली। हाउएवर इन सम एरियाज ग्लोबलाइजेशन इज अफेक्टिंग इंडिया डायवर्सिटी एंड प्लूरिटी। कैसे? Local language without written script is close to getting extinction. New generation are hooked to the mobile-driven EE world, impacting the real-life consequences on ground. Where fast food is taking over the local diverse cuisine due to office culture in India. Hip-hop music and dance is becoming popular and not existing folk music and Carnatic, Hindustani classical music. They are under threat of closure due to the low income. और फिर आर्ट एंड क्राफ्ट, एग्जाम्पल जरी वर्क्स, बेल्स, ओल्ड मेथड परफ्यूम मेकिंग, बनारस इज फेसिंग चैलेंज फ्रॉम द 3D प्रिंटिंग एंड इंडस्ट्रियल वर्क्स। फिर मैंने बताया बट विद द बैकेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इट इज पॉसिबल टू यूज इट एज अ स्ट्रेंथ मल्टीप्लायर। कैसे? इंडिया हैज बीन एबल टू पॉपुलराइज द लोकल क्यूजिन वर्ल्ड वाइड, जैसे इडली सांभर हुआ। देयर इज राइज ऑफ कॉस्मोपॉलिटन क्लास ऑफ इंडियन दैट इज दैट हैव आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डाइवर्सिटी। एग्जाम्पल गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन उत्तर बंगाल एंड झारखंड में भी होता है अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र। देयर इज मोर इंटर रिलीजियन डायलॉग एंड इंटरेक्शन ड्यू टू इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। दिस इज लीडिंग टू रिफॉर्म ऑफ कंट्रीज लाइक यूएई फॉर ऑल रिलीजन। लोकल क्राफ्ट लाइक मंजूशी, लीफ प्लेट, वुडन वर्क्स हैव बीन मोर इन डिमांड इन ऑन ई कॉमर्स वर्ल्ड वाइड। तो जीआई टैग हैज बीन स्पेशली यूटिलाइजिंग डाइवर्सिटी टू अ स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल अल्फेंसो। आपने यहाँ पे दोनों सब एरियाज कवर किया। मैं यहाँ पे एंड होता है ना आंसर, और तो नहीं है। हाँ, नीचे तो यहाँ पे ये अपने पॉजिटिव भी लिखा है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिखा है, थ्रेट टू डाइवर्सिटी एंड प्लूरलिज्म। तो मतलब डाइवर्सिटी वाले एलिमेंट तक तो आपने अच्छे से लिखा, प्लूरलिज्म वाला मिस हो गया। हाँ, ठीक। मतलब कुछ कुछ एरिया बात हुआ है लेकिन हाँ ठीक है। हमें लोगों को क्लियरली नहीं दिखा, डाइवर्सिटी क्लियरली दिख रहा है जब आंसर रीड कर रहे हैं। फिर ये वाला था कि कस्टम एंड ट्रेडिशन सप्रेस रीजन लीडिंग टू ऑब्स्क्यूरेंटिज्म ड्यू टू ड्यू अग्री, मतलब आप अग्री करते हो कि ट्रेडिशन कस्टम खराब होते एक तरह से इनडायरेक्टली। तो विवेकानंद बताते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन नॉट अगेंस्ट रीजन और साइंस, इट इज इंटरट्विन्ड विद साइंस। तो ऐसे 20th सेंचुरी में रामानुजा बताया था कि वो जब उनके पूछा गया था कि मैथमेटिकल फॉर्मूला के बारे में, तो उन्होंने बताया था कि गॉडेस स्पोक टू मी इन माय ड्रीम, दिस कैन बी सेड दैट वर्शिपिंग गॉड एंड गॉडेस एंड प्रैक्टिसिंग रिचुअल इज बैकवर्ड बाय सम, इन रियलिटी इट इंस्पायर्स बेस्ट ऑफ माइंड्स टू पुश बाउंड्री, देयर आर न्यूमरस केसेस वेयर द कस्टम एंड ट्रेडिशन हैव प्रमोटेड एक्सीलेंस। जैसे कस्टम ट्रेडिशन कैसे, इसरो साइंटिस्ट प्रेइंग बिफोर द गॉड बिफोर लॉन्चिंग Chandrayaan-3, इट गिव्स देम सेंस ऑफ रिलीफ एंड होप। वी हैव Saraswati Puja for encouraging young to learn, read and learn for excellence. Gym trainer uses the image of Hanuman to physically train like him. Thus, custom or ritual tradition is an important part of society. However, in some cases, they do promote obscurantism. As a Ganga jal sprinkling after shaking hand with vulnerable section of society, ghungat ya hijab for promoting modesty among women, promoting the idea of pious lady, marrying dog or tree to cancel bad omen and good luck. एक्सेट्रा। तो ये सब जो ट्रेडिशन विदाउट प्रॉपर रीजन एंड रैशनल आउटलुक, ट्रेडिशन प्रमोट सेंस ऑफ ब्लाइंड फेथ, इट मेक्स द सोसाइटी इनवर्ड लुकिंग इन लॉन्ग रन। सो अकॉर्डिंग टू अरुणोदय घोष, रिचुअल्स आर गुड एज लॉन्ग एज दे आर नॉट लिमिटिंग द बाउंड्री ऑफ ह्यूमन साइंटिफिक एंड माइंड प्रोग्रेस, दैट देयर शुड बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड साइंस टू कीप द ह्यूमन ग्राउंडेड टू। हां, इसमें अच्छा लिखा है। पॉजिटिव एंगल पहले आपने बात करी, उसके बाद मतलब आपने पहले जो लॉजिकली फॉलो किए जाते हैं, जो मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट है इवन सोसाइटी पे, उनका आपने बात करी, उसके बाद नेगेटिव लेके आए। तो ठीक है, इसमें और तो कुछ नहीं लग रहा। डिमांड द क्वेश्चन फुलफिल हो रही है। फिर लिखा भाई, हाउ हैव डिजिटल इनिशिएटिव इन इंडिया कंट्रीब्यूट टू फंक्शनिंग ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन कंट्री। तो मैंने बताया कि एजुकेशन सिस्टम है क्या, 10+2 बेसिस है, एग्जाम बेस्ड है, RTE इंक्लूसिव एजुकेशन है, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल बेस्ड ऑन ICSE, CBSE, स्टेट बोर्ड, एडल्ट लिटरेसी, ये पूरा ओवरऑल एजुकेशन है। तो डिजिटल इनिशिएटिव कैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है, मैंने नीचे बताया कि यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, डिजिटल ब्लैक बोर्ड इन प्राइवेट स्कूल एंड गवर्नमेंट स्कूल फॉर ओवरऑल लर्निंग थ्रू विजुअल प्लस हियरिंग। 10+2 स्टैंडर्ड में स्वयं पोर्टल हैव बीन प्रमोटेड सो दैट एनी स्टूडेंट गेट लेक्चर्स फ्रॉम प्रोफेसर इन बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, दे कुड एनरोल लेसन एंड बी सर्टिफाइड विद टेस्ट। Earn while you learn initiative under skill development and utter incubation center, it will promote prior learning for jobs and real life problem solving skill among youth, so that they are upskilled in future. PM Disa is for rural literacy so that they could upskill in their life. Use of machine learning and AI under NEP 2020 for education, it will help awarding student with a new form of education. हाँ, कैसे हेल्प किया उसी को। हाँ, पॉजिटिव डायमेंशंस के बारे में मेरे सबसे बात करनी थी, क्योंकि वो बोल रहा है कि कैसे, हाँ, कैसे हेल्प किया, वैसे इलैबोरेट बोला। क्योंकि कंट्रीब्यूट अगेन उसको पॉजिटिवली लेंगे, नेगेटिव डायमेंशंस के मेरे हिसाब से तो रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब मैं पता है इसमें छूट गया, डायरेक्शन छूट गया एक, जो मुझे अभी याद आया कि मैंने बता दिया क्या क्या डिजिटल इनिशिएटिव है, अब जो एरिया कंट्रीब्यूट भी कर रहे बता दिया मैंने, लेकिन लास्ट में हाँ कंट्रीब्यूट कैसे कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल रूरल लिटरेसी के लिए वो बताया मैंने कुछ, लेकिन लास्ट में ओवरऑल पिक्चर, हाँ वो लेके ओवरऑल जो पिक्चर लास्ट में कि कैसे एक डिजिटली अवेयर सिटीजन क्रिएट कर इन डेमोक्रेसी, और वो सब एक एलिमेंट आ रहा है, ईज ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ एजुकेशन इंक्रीज होती है। तो वो कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, कैसे कंट्रीब्यूट किया डिजिटल इनिशिएटिव्स। तो ये तो ठीक बोला कि आपने इनिशिएटिव्स के बारे में इन डिटेल लिख दिया, मतलब सारे, लेकिन लास्ट में जो कंक्लूजन लास्ट में वो होता कि कैसे कंट्रीब्यूट किया, वो उसका बड़ा पिक्चर, जो स्मॉल पिक्चर्स है सब छोड़ करके इसको, ठीक है, इसलिए क्या कह रहे हो सचिन, इसमें उसे क्या ये भी आ सकता था कि कितने पॉपुलेशन परसेंटेज पे हम इसका इम्पैक्ट देखते हैं। हाँ, कर सकते हैं, इसमें इलैबोरेट था और वो था कंट्रीब्यूटेड था, तो फिर जनरली लिखा है इसमें। अगर एग्जाम में लिखता था बोलते कि हाँ अभी तक नहीं पहुंच पा रहा है कुछ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन तक, there are digital divide between the rural and urban areas, women और सबका बता देते हैं। क्या बेसिकली अगर हम ये लेके आ जाते कि भाई इतना परसेंट इंक्रीज होगा और जो एरिया बचा हुआ है उसके लिए फिर देख सकते हैं। हाँ हाँ, फिर इसमें लास्ट में बता देते कि एआई और मशीन लर्निंग से कैसे एक नया जनरेशन ऑफ एजुकेशन हो सकता है। कंफ्यूजन तो फिफ्थ वाला पॉइंट कंफ्यूजन आता है, ओपन अप हो गया। इसमें कोई रिपोर्ट भी पब्लिश करती है क्यों कि जिससे पता चल जाए कि हाँ डाल सकते हैं, वर्ल्ड बैंक का डाल सकते हैं या फिर हाँ, बट उसका एक और डिमांड है उससे कनेक्टेड होनी चाहिए वो रिपोर्ट कोशिश। हाँ डिजिटल इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन के बारे में ही होनी चाहिए। फिर यहाँ बोला कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशन टू मल्टी डायमेंशनल इंटररिलेटेड प्रॉब्लम ऑफ ड्रॉट, फ्लड एंड इंटरप्टेड नेविगेशन। तो मतलब एक क्वेश्चन के अंदर में 3-4 एस्पेक्ट है। तो मैंने बताया कि कैसे इंटररिलेटेड प्रॉब्लम, तो स्टैंडिंग कमेटी बताता है वाटर रिसोर्सेज का कि स्ट्रक्चर रिफॉर्म चाहिए अगर आपको टैकल करना है ड्रॉट और फ्लड का। तो कैसे इंटररिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ड्रॉट मराठवाड़ा रीजन में है, बिहार में है, फ्लड्स भी होता है फ्लैश फ्लड हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, और नेविगेशन इशू ऐसे इंटरप्टेड नेविगेशन लाइक अंडर यूज ऑफ नेशनल हाईवे, नेशनल वाटरवे 1 गंगा और नेशनल वाटरवे 2 ब्रह्मपुत्र ड्यू टू सेल्टिंग। टू दिस स्ट्रक्चर प्रॉब्लम रिफॉर्म लाइक इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशन। कैसे ऐसे एग्जांपल बताना था, केन बेतवा लिंकेज जैसे है तो उसमें बता सकते हैं कि एक्सेस वाटर कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू द बुंडेलखंड ड्राउट रीजन फ्रॉम केन, दिस विल ऑल्सो मेंटेन द मिनिमम फ्लो ऑफ रिवर वाटर इन बेतवा एंड केन ऑल ईयर which is suitable for river navigation. At the same time, wastage of river water and flooding by King River would reduce. But however, it poses certain challenges. उनके critical examine करना था उसको। The ecological harm हो सकता है due to interlinking of river, impacting the endemic species and threat of invasive species. Pollution of river हो सकता है by transport navigation. Without roping in dam for flood control, interlinking is not successful. For that, Dam Safety Act 2021 needs review. फ्लड कंट्रोल नीड अदर सोर्सेज ऑफ एक्वाफायर रिफिलमेंट, एग्जांपल पॉन्ड, चेक डैम होना चाहिए। इट कैन आल्सो प्रमोट एक्सेस यूज ऑफ इरिगेशन वाटर अमंग फार्मर लाइक पंजाब, हरियाणा। दे आर आल्सो फेसिंग क्राइसिस इन स्पाइट ऑफ वाटर रिच स्टेट, सो वाटर प्रोडक्टिविटी इज नीडेड। दस अदर एरियाज नीड टू बी टैप्ड सच दैट रिवर इंटरलिंकिंग इज सक्सेसफुल। तो इंटरलिंकेज के बारे में जो आपने अब देखो चैलेंजेस के बारे में इन डिटेल बात करी, तो चैलेंजेस में अब उसको भी लेके आते हैं कि इसको करना ही कितना मुश्किल है। सर्दर्न स्टेट्स में अगर हम बात करते हैं ड्रॉट्स की सिचुएशन है तो वहाँ पे सीजनल रिवर्स है, आप उसको कर दो अगर इंटरलिंकेज कर भी दोगे तो वो लॉन्ग टर्म में तो सस्टेनेबल होगा नहीं। तो ये कुछ डायमेंशंस भी लेके आते हैं, बाकी सारा आपने ये इंपॉर्टेंट डायमेंशन होता है स्टार्टिंग वाला। हाँ पर दो ही रहता कि एक तो कॉस्ट है, दूसरा के चैलेंजेस साउथ का। मैं दिमाग में केन बेतवा था, मेरा आंसर नीचे लिख रहा था ना, तो केन बेतवा से मैं भूल गया कि ओवरऑल की बात कर रहे हैं यहाँ पर उसका। तो उसमें बताना हाँ कि एग्जांपल्स नहीं पूछा था यहाँ पर, डायरेक्टली बता सकते थे। हाँ सही पूछा है कि मतलब वायबल सॉल्यूशन की तरह ये एक्ट कर सकते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल से वायबल सॉल्यूशन बताया, लेकिन हाँ ये आपने बताया कि सॉल्यूशन आपने चैलेंजेस में इसकी बात करी कि यहीं पे बात करी इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में आपने लिखा क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक दिस इट कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशन। तो वो कैसे होगा, आपने केन बेतवा की बात करी। इसमें मेंटेन मिनिमम फ्लो ऑफ रिवर होगा, ठीक है। तो क्योंकि ये बोल रहा है कि फ्लड्स, ड्रॉट्स और नेविगेशन, इरिगेशन और फ्लड बताया कि सिर्फ वही इम्पोर्टेंट है। तो पहला पॉइंट होता है जो आपका जो था कि साउथ में सीजनल रिवर है तो उसमें चैलेंजेस ऑफ कंस्ट्रक्शन है और वाटर फ्लो बहुत कम होता है। सेकंड में आता है इकोलॉजिकल हार्म वापस पहला वही। तो चैलेंजेस आपने ज्यादा लिखे एज अ फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन, वो कैसे एक्ट करेगा वो थोड़ा और लिखते इन टर्म्स ऑफ चैलेंजेस के अंदर में सॉल्यूशन मैंने डाला था जो आप बताते हैं, ठीक है। उसको अलग कर सकते थे टैकल करने के लिए कैसे हेल्प कर सकते हैं फ्लड्स के लिए और इंटरप्टेड नेविगेशन, तो वो उसमें एज अ सॉल्यूशन एक्ट करेगा। तो उसमें अगेन क्या बेनिफिट्स होंगे, मतलब इंटरप्टेड नेविगेशन है तो नेविगेशन जो स्मूथ हो जाएगा, इनलैंड नेविगेशन तो अगेन उसके थ्रू इनलैंड ट्रेड भी इंक्रीज हो सकता है, वो कहीं ना कहीं फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी बूस्ट कर सकता है, वो सब आ सकता है। और ड्रॉट्स एंड फ्लडिंग एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करते हैं थोड़ा बहुत कि इवन एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो थोड़ा सा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आ सकता था स्टार्टिंग में। बाकी आपने लिखा है चैलेंजेस में, आपने इन डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन किया है, पोल्यूशन हो सकता है, इकोलॉजिकल हार्म होगा, ये सब वो ये कि पहले आप वही बात करते थे कि ये पूरा प्रोजेक्ट है, इसको करना ही फीजिबल है कि नहीं है। ओके, सचिन कुछ बोलना है? आंचल आपको कुछ बोलना है? इसमें बेसिकली एक पॉइंट और भी आ सकता था कि जो रिवर्स हैं, जो ठीक है मानसून का सीजनल तो हो गया, लेकिन जो इंटर स्टेट बाउंड्रीज तो 2 या 3 राज्यों तक जाती है, तो जो इंटर स्टेट कोलैप्स बनते हैं उनके बीच में जो सहमति नहीं बन पाती और बजट रखा रह जाता अलॉट होने के बाद भी, तो उस सब को बातचीत करके सुलझा के आगे बढ़ा जा सकता। हाँ, ये पॉइंट आ सकता था कि ऐसे प्रोजेक्ट्स की वजह से जो इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है वो और इंक्रीज हो सकते हैं। हाँ, जैसे कि हरियाणा और पंजाब। अच्छा बताते हैं सचिन, मैं आता हूँ। 550 करोड़ रुपए रखा ही है आपके बजट में, भी यूज नहीं हो पा रहा। India's immense potential of solar energy, though there are regional variations in its development. तो आपने ये क्वेश्चन नहीं लिखा, इसका आंसर नहीं मिला हमें। Anyways, इसको करते हैं। मतलब नीचे में सोसाइटी में मैं लेना चाह रहा था ना, इसलिए उसको ठीक। तो immense potential की बात कर रहे हैं सोलर एनर्जी की, बट वो बोल रहे हैं कि रीजनल वेरिएशंस भी एग्जिस्ट करते हैं इन इट्स डेवलपमेंट, तो इस पे इलैबोरेट करना था। तो मैंने पहले टारगेट बता दिया कि 65% ऑफ टोटल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करने का टारगेट है बट 2030। सो रीजनल वेरिएशन में मैंने सिंपली पॉइंट फॉर्मेट में बताया। तो हाई कॉस्ट ऑफ एक तो इंस्टॉलेशन ऑफ सोलर पैनल्स हैं, तो उसकी वजह से इंस्टॉलेशन एट हाउस होल्ड लेवल पे भी वी आर सीइंग वहाँ पे इट इज लो एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर लो डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक पैनल्स, तो दैट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड दैट्स व्हाई वी आर इम्पोर्ट डिपेंडेंट अपॉन चाइना। सो उसकी वजह से भी सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखने को मिलते हैं एंड कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट्स भी है डोमेस्टिकली वो भी इम्पैक्ट होते हैं। देन लार्ज सोलर पार्क्स हैं, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं जोग्राफिकल लोकेशंस में जहाँ पे हाई इंसुलेशन हमें देखने को मिलता है, लाइक स्टेट्स जो है राजस्थान, गुजरात एंड केरला। हिली स्टेट्स में गेन ए चैलेंज है बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल क्लाइमेट। देन स्कीम फॉर इंस्टॉलेशन है जो फार्मर्स से रिलेटेड स्कीम है कि दे कैन इंस्टॉल दी फोटोवोल्टाइक पैनल्स इन देयर फील्ड्स, तो वहां पे अगेन वी आर सीइंग कि फार्मर्स को इतनी क्लैरिटी नहीं है। जो स्कीम थी, मेरे को नेम याद नहीं आया इसका, तो मेरे को डिटेल्स पता थी तो मैंने वो लिख दिया कि फार्मर्स को क्लैरिटी नहीं है तो उनको नहीं पता कि क्या एडवांटेज हो सकता है उनको इन टर्म्स ऑफ बीइंग एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेशन, तो वहां पे भी वी आर सीइंग नॉट मच इंटरेस्ट। फिर सोलर एनर्जी इट कैन बी एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्मार्ट सिटीज भी हो सकता है, बट अगेन इसको बड़े स्केल पे इम्प्लीमेंट करने की, अडॉप्ट करने की जरूरत है। देन लैक ऑफ अवेयरनेस ब्रॉडर सेंस में बोला कि लोगों को नहीं पता कि कैसे वी नीड टू गो अहेड इन टर्म्स ऑफ इंस्टॉल कैसे कराएं, मतलब कैसे, मतलब कहाँ पे कैसे रीच आउट करें फॉर इंस्टॉलेशन पर्पसेस। एंड अगेन एडवांटेज क्या हो सकते हैं उन लोगों को लॉन्ग टर्म में इन टर्म्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, नो इलेक्ट्रिसिटी बिल, उनको कुछ बिल नहीं पे करना पड़ेगा, एंड रेवेन्यू जनरेशन पोटेंशियल। तो मैंने सिंपली 6 पॉइंट्स लिखे हैं कि क्या चैलेंजेस हैं। पता है मानसी, आप जो आंसर लिखते हो ना, आज ना आपका थोड़ा डिमांड मिस हो गया। इसमें लिखा हुआ था कि रीजनल वेरिएशन और इमेंस पोटेंशियल, ये दो टर्म है इसमें, इस पे फोकस करना था। तो इमेंस पोटेंशियल आया नहीं आंसर में कि इमेंस पोटेंशियल कैसे है, और दूसरा कि बता रहा कि रीजनल वेरिएशन है लेकिन इमेंस पोटेंशियल बहुत है, तो आपका रीजनल वेरिएशन दिख करता है, लेकिन इमेंस जो पोटेंशियल है ये इंडिया एक मतलब मैक्सिमम जो लैंड मास है ना वो इंडिया का ट्रोपिक कैंसर से नीचे है, कैंसर और इक्वेटर के नीचे में आईएसए का लेके आते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लेके आते हैं। और भी इमेंस पोटेंशियल जैसे रूफ टॉप हो गया, फिर आप फार्मर का भी बता देते, कुसुम का बता देते हैं, मतलब है। थार रीजन है, थार डेजर्ट है, वहां भी पोटेंशियल है। लेकिन रीजनल वेरिएशन में बात करते हैं, रीजनल वेरिएशन इंडिया में नॉर्थ ईस्ट साउथ एज रीजनल वेरिएशन। चैलेंजेस नहीं पूछा था आपने, चैलेंजेस बताए। इसको मैं चैलेंजेस को ऐसे कनेक्ट कर सकती थी जो इमेंस पोटेंशियल है जैसे थार डेजर्ट। हाँ, इसी को कनेक्ट करते हैं ना कि आप थार में लोग कम रहते हैं या फिर कहीं पर, तो रीजनल बात कर रहे थे वेरिएशन, कहीं पर ज्यादा हो रहा है। जैसे आप महाराष्ट्र कर्नाटका रीजन में ज्यादा प्रोडक्शन है सोलर का, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में है ही नहीं क्योंकि वहाँ पर फॉरेस्ट एरिया और कम, तो वो रीजनल वेरिएशन थोड़ा बहुत। ठीक है, ठीक है। Second question, examine the status of forest resources of India and resultant impact on climate change. तो मैंने सिंपली बताया कि 2 एक्ट 2 लॉज हमारे पास जो फोकस करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे, स्टेटस एंड फिर रिजल्टेंट इम्पैक्ट क्या हो रहा है। तो रैपिड इंक्रीज इन अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की वजह से वे सीइंग कि फॉरेस्ट आर बीइंग डिस्ट्रॉयड फॉर मटेरियलिस्टिक गेन्स। सो हिली एरियाज में हमें क्लाइमेटिकली इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ लैंडस्लाइड्स, फ्लैश फ्लड्स, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी देखने को मिल रही है इन स्टेट्स लाइक हिमाचल प्रदेश एंड तेलंगाना। फिर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में जो रिसेंट अभी अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई है कि देयर वुड बी, या मतलब कोई ज़रूरत नहीं होगी ऑफ गेटिंग दिस असेसमेंट डन। स्पेसिफिकली जो प्रोजेक्ट्स होंगे रिलेटेड टू हाईवे प्रोजेक्ट्स फॉर द डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। सो इसमें अगेन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा बैलेंस करना जो डैमेज होगा बायोडाइवर्सिटी को और रिहेबिलिटेशन द फॉरेस्ट ड्वेलर्स। फिर डिस्ट्रक्शन एंड क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है दैट इज आल्सो एडिंग अप टू द कार्बन बर्डन वाई क्लियरिंग, प्लस जो और आगे फ्यूचर में भी इंक्रीज हो सकता है बिकॉज ऑफ सेटिंग अप ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो इसके लिए भी कैंपा फंड है, बट अगेन जो कॉम्पनसेटरी एफॉरेस्टेशन किया जाता है वो फॉरेस्ट को आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो एक सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो अगेन जो बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है उसको आप कैसे कॉम्पनसेट करोगे वाई दिस, एंड सक्सेस रेट और जो एफॉरेस्टेशन मतलब किया जाता है उसका सक्सेस रेट भी बहुत लो है। देन डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स की बात करी, सो दैट इज ऑल्सो थ्रेटन टू मरीन बायोडाइवर्सिटी, उसकी वजह से डैमेज ड्यू टू साइक्लोन्स का जो प्रेशर है वो और एडअप हो जाता है, एंड दिस इज गोइंग टू नॉट जस्ट इम्पैक्ट क्लाइमेट बट लाइवलीहुड ऑफ द कम्युनिटी एज वेल। सो इतने पॉइंट्स आए थे मेरे माइंड में। हाँ ठीक है, तो आपने बताया कि स्टेटस और फॉरेस्ट रिसोर्स था, आपने पहली बात था कि इसको जोड़ दिया तो एक अच्छा था, एक अच्छा अप्रोच था जो मेरे में मुझे करना चाहिए था ऐसे। और दूसरा लेकिन आप, हाँ इससे पहला वाला स्टेटस है, आप बता रहे कि इंक्रीज हुआ है अनप्लान अर्बनाइजेशन फॉरेस्ट में, तो कम हुआ है फॉरेस्ट, फ्रिक्वेंसी बढ़ा है डिस्ट्रक्शन का। एग्जाम्पल आपने बताया कि मतलब यही अब 2 एलिमेंट है ये, तो मतलब कि इसका एग्जांपल बताना था, फॉरेस्ट रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज भी, इम्पैक्ट फ्रॉम क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट चेंज नहीं, जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो हो रहा है उल्टा है बेसिकली। नहीं उल्टा नहीं, वो ये बोल रहा है एग्जामिन द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया एंड उसका रिजल्टेंट इम्पैक्ट क्या है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। मतलब जो भी स्टेटस है या जो भी हम जैसे भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज के साथ डील कर रहे हैं उसका रिजल्टेंट इम्पैक्ट क्या हो रहा है क्लाइमेट चेंज। तो इसलिए तो मैंने यहाँ बात की अर्बनाइजेशन की वजह से जो अब हिली स्टेट्स में। ठीक है आपने बताया कि हाँ ठीक है, नीचे वाला मैं ईआई का एग्जांपल लेके आते हैं जो आपने बताया नहीं, केरला फ्लड और कस्तूररंजन वाला जो था ना इशू ईआईए का, वेस्टर्न घाट वाला वो लेके आते हैं थर्ड सेकंड वाले में। फिर आप थर्ड वाले में कैंपा फंड का बात कर रहे हैं, तो आप क्लाइमेट चेंज का इसमें आप बात नहीं किए, तो क्लाइमेट चेंज कैसे बात करते, कैसे बोलते क्या फॉरेस्ट नहीं हो रहा है तो कार्बन सिंकिंग नहीं हो रहा है बेसिकली, मिटिगेशन नहीं हो पा रहा, ऐसा कुछ वर्ड यूज करते हैं इसकी वजह से। मतलब अब क्लाइमेट चेंज में भी इम्पैक्ट तो वो सेम ही रहेंगे, 2-3 हैं, तो इसलिए अब मैं उसको रिपीट नहीं कर सकती थी, इसलिए तो मैंने थोड़ा सोचा कि और क्या लिख सकती हूँ। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव से आप बताते हैं कि सी लेवल राइज हो रहा है तो लोकल जो पॉपुलेशन है उस पर इम्पैक्ट कर रहा है क्लाइमेट चेंज से, तो वर्ड नहीं आया बेसिकली इसमें, मतलब डायरेक्टली हो रहा है कम्युनिटी और हाँ मतलब आप वर्ड लेके आते हो तो इम्पैक्ट। मतलब अब मैंने इसको पहले यही सोचा कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज का जो स्टेटस है उसके हिसाब से पॉइंट सोचती हूँ और उसको फिर कनेक्ट करूँ, तो मेरे माइंड में और पॉइंट्स नहीं आ रहे थे रिगार्डिंग स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अगर आपको लगता है और कुछ है तो और कुछ ऐड अप कर सकते हो, एक अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो गया है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मैनग्रोव्स डिस्कशन। हाँ लेकिन मेन बात है आपने जो बताया ना उसमें आप सब थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट्स है मतलब, लेकिन कुछ कुछ एरिया में फॉरेस्ट बढ़ा है 24.45% जो हुआ है, तो आप बताते हैं कहाँ पर हो रहा है, कहाँ स्टेटस पूछा है ना बेसिकली, तो स्टेटस से बताना होगा कहाँ पर बढ़ा है कहाँ पर घटा है। मैं तो थोड़ा रिपोर्ट ऐसे लिखा था, आपने प्रैक्टिकल लिखा, लेकिन स्टेटस पूछा है तो आप बताते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में घटा है, फॉरेस्ट फायर ज्यादा हो रहा है, इसके कारण वहाँ क्लाइमेट चेंज का असर ज्यादा है, फॉरेस्ट फायर कारण डिस्ट्रक्शन हो रहा है लाइफ का। फिर उत्तराखंड में भी आप मैंग्रोव्स का एरिया जो है वहां भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, जैसे वही भी लेके आते हैं। हाँ थोड़ा सा और पॉजिटिव एंगल आ सकता था, मतलब मैंने सिर्फ हाँ वो लग रहा है कि डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है प्रॉपर, वो देख कैसा फील आ रहा है। हाँ वो बैलेंस हो जाता फिर पॉजिटिव, क्योंकि हो रहा है कहीं कहीं पॉजिटिव भी हो रहा है बट अगेन ब्रॉडर लेवल पे तो नेगेटिव ही हो रहा है क्लाइमेट चेंज और वो सब। हाँ थोड़ा सा वो आना चाहिए था। ठीक है, एग्री। सचिन और आंचल, व्हाट आर योर रिव्यूज, काइंडली शेयर। सबका बता दो आप फिर दोस्त को। नहीं ये बेसिकली कि सही है जो सिख ने बोला, फिर थोड़ा वो लेके आ सकते थे। ठीक है आंचल, मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स आने चाहिए, मतलब रेदर देन सिर्फ नेगेटिव पे फोकस करके। ओके और एक सेकंड वाला क्वेश्चन था ना ओशिका, उसमें मुझे एक डाउट पूछना था। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर सेकंड कौन सा है? सेकंड ये वाला नहीं, ये तो फर्स्ट है ना, सेकंड बोला है मैंने। मतलब वो सेकंड जो ये सेकंड है वो ऑब्स्ट्रक्शनिज्म वाला था ना। हाँ तो वो वाला बता दो। एक नेक्स्ट है वो थर्ड है ये वाला। तो इसमें क्या करना का मतलब, हाँ मतलब इसमें मतलब है कि हाँ। जैसे आप बोलते हैं ना कि कस्टम ट्रेडिशन बैकवर्ड होता है, पूजा ज्यादा नहीं करना चाहिए, वही बताना, बेसिक मीनिंग वही बताना चाह रहे हैं कि वो तरह से डॉगमा क्रिएट, डॉगमा नहीं मतलब दिमाग में एक बाधा डालता है टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। वो एक पूरा बात हो रहा है क्वेश्चन का, क्या वो हो रहा है कस्टम और ट्रेडिशन से, वो पूछा डू यू एग्री, तो आप बताएंगे कि नहीं हो रहा है इंडिया में, क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी सिविलाइजेशन का जो पार्ट है ना वो कस्टम ट्रेडिशन दे के ही है आगे बढ़ने का। तो एग्जाम्पल मैंने बताया, इसरो का बताया, बाकी सबका बताया, रोजमर्रा का एग्जाम्पल आप लेके आते थे, फिर आप बताते, फिर बताना था कि हाँ कुछ कुछ एरिया में होता है, तो वो आप लेके आते कि भाई घूंघट हिजाब ये सब जो सोच है वो डिफरेंट सोच है, तो वो उससे एक डॉगमा क्रिएट होता है सोसाइटी के अंदर। और लास्ट में कि हम लोग को देखना चाहिए कि जो कस्टम और ट्रेडिशन है वो सोसाइटी के अनुसार बदलते रहे और एक पॉजिटिव आउटलुक के साथ चले। तो एक ओवरऑल इसका कंक्लूजन ये है क्वेश्चन का। तो इसमें तो फिर जब जैसे आपने लिखा तो पूरा साइंटिफिक प्रिंसिपल देखने को मिल रहा है, मतलब पूरा साइंटिफिक तभी तो लॉजिकल हुआ ना, क्योंकि वो बोल रहे हैं कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वहाँ बोल रहे हैं कि क्या वो हाँ सप्रेस रीजन, हाँ तो रीजन को सप्रेस करता है क्या? साइंटिफिकली लॉजिक की बात कर रहे हैं ना कि क्या जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस है उनके पीछे कोई, जो हम एप्लीकेशंस की बात करते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक, कोई रीजनेबल चीज है कि नहीं। तो पहले औशिक ने पॉजिटिव एंगल बताया, फिर ये भी बताया कि ऐसा नहीं भी होता है, तो उसके उसने अलग से एग्जांपल्स दिए, जैसे गंगा जल स्पिरिचुअलिटी ये सब, घूंघट के बारे में लिखा है। अब इसके पीछे कोई मतलब रीजन ठीक है देखा जाता है रूरल सोसाइटी में कि इट इज अ ऐसा उठाना था एग्जांपल कि जो थोड़ा अजीब ज्यादा है, मतलब एज कंपेयर टू नॉर्मल। नॉर्मल होता है बहुत सारा चीज, तो मैं ब्लैक मैजिक से रिलेटेड बात कर सकते थे और हाँ ब्लैक मैजिक याद नहीं आती तांत्रिक पर, तो उसका और चाइल्ड सैक्रिफाइस लेते कोई मतलब नहीं था क्योंकि वो तो ऑब्वियस पता है खत्म भी हो चुका है सोसाइटी के अंदर थी, तो जो अभी चल रहा है उस पर बात कर सकते हैं। इसमें आप जैन्स का जो ट्रेडिशन होता है सलेखना, मेरे हिसाब से वो भी नेगेटिव में आ सकता था, डेथ बाय स्टार्वेशन। हाँ लेकिन हाँ और खुद का है ना वो, मतलब खुद पर डिपेंड है, वो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस का पार्ट ही हुआ। अब उस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई है, उसको कनेक्ट कर देते तो वो थोड़ा मेरे हिसाब से और रीजनेबल हो जाती है आपकी आर्ग्यूमेंट। हाँ लेकिन नहीं पता था बोला जजमेंट का, तो मतलब अगर नहीं पता है तो आप फिर आप जो भी इम्पोर्टेंट लीडर्स है या फिर कुछ भी है, गांधी का लेके आते हैं, बी आर अम्बेडकर लेके आते हैं, और फिर जो अभी के हैं जो भी थॉट मेकर थिंकर उनका लेके आते हैं, कैसे हम लोग को एक ऑब्वियसली सोसाइटी के अंदर प्रोग्रेस तरफ जाना, वो एक ओवरऑल कंफ्यूजन था, तो उसी का तो ये लिख रहा है ऐसा ताकि लोग अग्री करें। क्वेश्चन का डायरेक्शन ऐसा दिया है तो, लेकिन ऐसा सच नहीं है अपने देश के अनुसार, हम लोग में बहुत मिक्स्ड है सिस्टम, तो वो धन जाना चाह रहा है हमारी इसलिए नेगेटिव कमेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के ऊपर बेस्ड है। हाँ क्योंकि कोई एक लाइन नहीं खींचा हुआ ना कि बोलते हैं लाइन खींचा हुआ प्रॉपर, क्या तुम भाई लॉजिकल हो तुम इरेशनल हो, ऐसा नहीं, वो मिक्स है प्रॉपर। अब कल ही ऐसे इसरो वाला था कि वो बताया ना कि तो बहुत सारी चीजें रहते हैं कि मिक्स है, तो ऐसा इसको नहीं कर सकते, तो वही जानना चाह रहे हैं। और कोई पूछना आंचल? नहीं ठीक है ओके, थैंक यू एवरीवन, वी विल टेक अप नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन टुमारो ड्यू टू आंसर कर।